हेलो स्टूडेंट, मैं सेंटेशन अजीतगढ़ से मनीष। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10th की साइंस में चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का नाम है कार्बन तथा उनके यौगिक। तो कार्बन से सबसे पहले हम बात करते हैं जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में। इसके बारे में जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति का जो सिद्धांत था उस बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था, गिवन बाय बर्जीलियस। बर्जीलियस ने दिया था, ठीक है। जैव शक्ति के सिद्धांत के अनुसार बर्जीलियस ने बताया था कि जो प्रकृति में जो आप कार्बनिक पदार्थ जो देख रहे हो, वो कार्बनिक पदार्थ केवल जीवधारियों द्वारा ही निर्मित किए जा सकते हैं। जीवधारी कौन? जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए। क्योंकि जो जीव जंतु होते हैं उनमें कोई एक जैविक शक्ति मौजूद होती है। जैविक शक्ति मौजूद है, इसलिए तो क्या कह रहे हैं, जैव शक्ति का सिद्धांत कह रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला में हम कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनका निर्माण नहीं कर सकते। तो जैव शक्ति के सिद्धांत के अनुसार क्या बताया बर्जीलियस ने कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारियों द्वारा ही संपन्न होता है, क्योंकि जीवों में क्या पाई जाती है, जैविक शक्ति मौजूद होती है। इसे हम जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने बताया कि कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनका निर्माण हम प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीके से नहीं कर सकते। फिर इनके बाद में एक साइंटिस्ट आए थे, बर्जिलियस के बाद में एक साइंटिस्ट आए थे, होलर। इन्होंने बताया कि हम कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कृत्रिम तरीके से कर सकते हैं। और उन्होंने जो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड को गर्म किया, गर्म करके अमोनियम साइनेट का निर्माण किया। फिर अमोनियम साइनेट को गर्म करके किसका निर्माण किया, पहले कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया। और उस पहले कार्बनिक यौगिकों का नाम यौगिक का नाम था यूरिया। यानी क्या किया है उन्होंने, होलर नामक साइंटिस्ट ने, कि अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को क्या किया, गरम किया। गरम करने पर किसका निर्माण हुआ, अमोनियम साइनेट का निर्माण हुआ, अमोनियम NH4CNO, ठीक है। अमोनियम साइनेट, साथ ही किसका, पोटेशियम सल्फेट का भी निर्माण हुआ, K2SO4। संतुलित करने के लिए यहां पर दो लगा दें और यहां पर दो लगा देंगे तो संतुलित हो जाएगा। ये क्या है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, और ये किसका फॉर्मूला है, पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट, ठीक है। इन दोनों को जब गर्म किया गया तो होलर नामक साइंटिस्ट ने अमोनियम साइनेट को प्राप्त किया। अब आप कह सकते हो कि अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर, अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर NH4CNO को क्या किया गया, गर्म किया गया। ये किसका साइन है, गर्म करने का, ठीक है। जब गर्म किया गया इसको तो पहले कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो, और पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ये क्या है, पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया। आपसे पूछ ले कि पहला कार्बनिक यौगिक जो क्या बनाया गया है, कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला में बनाया गया है, कृत्रिम रूप से बना। यानी कृत्रिम तरीके से पहला जो कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया गया था वो था यूरिया। और यूरिया का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, अमोनियम साइनेट को गर्म करके। आप सीधा सीधा कह सकते हो कि अमोनियम साइनेट को अगर गर्म करते हैं तो पहले कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण होता है। तो जैव शक्ति सिद्धांत और होलर ने क्या बताया, ये सब पढ़ा। उसके बाद में हम देखते हैं कि कार्बन परमाणु की विशेषता, कि कार्बन परमाणु है क्या, क्योंकि कार्बन के बारे में पढ़ने से पहले उसकी विशेषता तो जान लें कि उसकी क्या क्या विशेषता है। तो कार्बन परमाणु की विशेषता की बात करेंगे तो उसका कार्बन का प्रतीक क्या होता है,
सी होता है परमाणु क्रमांक, छह होता है कार्बन की विशेषता, कार्बन परमाणु की विशेषता होगी। बात करें परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है आवर्त सारणी में, जो आवर्त सारणी होती है उसमें कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, छः होता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में इनका, इसका जो प्रतीक है क्या, किस रूप में प्रतीक बता रखा है, सी के रूप में बता रखा है। इसका द्रव्यमान देखें, द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। ब्लॉक में स्थिति देखें, ब्लॉक स्थिति यानी कि कार्बन में कार्बन है वो कौन से ब्लॉक में पाया जाता है, क्योंकि आवर्त सारणी में चार ब्लॉक होते हैं, क्योंकि उसके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है जिस बाह्यतम कोष में जाता है या जिस कक्षक में जाता है उस कक्षक के अनुसार आवर्त सारणी में चार ब्लॉक हैं, एस पी डी और एफ। उसमें से जो कार्बन है वो पी ब्लॉक का तत्व है। फिर बात करें वर्ग नंबर कौन सा है, क्योंकि आवर्त सारणी में कितने वर्ग, 18 वर्ग है, और 18 वर्ग है तो वो 14वें वर्ग में आता है। ये तो बात होगी परमाणु क्रमांक, प्रतीक, द्रव्यमान और ब्लॉक स्थिति और वर्ग संख्या। अब बात करते हैं कि कार्बन परमाणु की संयोजकता, संयोजकता, अब ये संयोजकता है तो संयोजकता कितनी होती है इसकी, चार होती है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, चार होती है। अब ये अपनी जो संयोजकता है वो किस प्रकार से कंप्लीट करता है वो देखें, कि कार्बन है वो अपनी संयोजकता चारों, कार्बन अपनी चारों संयोजकता, चारों संयोजकता एकल बंध से भी कर सकता है, एकल बंध द्वारा भी कर सकता है। एकल बंध द्वारा कैसे, जैसे मेथेन हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया। मेथेन की बात करते हैं, मीथेन की बात करते हैं, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, किसका फॉर्मूला है, मेथेन या मीथेन बोलते हैं, मार्स गैस जिसे बोलते हैं, गोबर गैस जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बन एक है और इसकी संयोजकता कितनी है, चार, तो ये चारों एकल संयोजकता किससे जुड़ जाएगी, हाइड्रोजन से जुड़ जाएगी, और हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है। फिर बात करें नेक्स्ट कि हो सकता है कि अपनी जो कार्बन है वो अपनी चारों संयोजकता में एक तो किससे संतुष्ट कर ले, द्विबंध द्वारा, और बाकी दो संयोजकता किससे कंप्लीट करे, एकल बंध द्वारा संतुष्ट करे। एक संयोजकता तो द्विबंध द्वारा, द्विबंध द्वारा वह दो एकल बंध द्वारा, एकल बंध बना ले, ठीक है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, ठीक है। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप कैसे जुड़ा होता है आपस में, डबल बॉन्ड O H और ये H। यहाँ पर देखो कार्बन की विशेष संयोजकता कितनी है, चार होती है, तो एक दो और दो, ये रही चार हो गई। तो चार में से एक तो किससे संतुष्ट कर रहा है, द्विबंध से, और दो किससे, एकल बंध से संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार ये दो अपनी दोनों संयोजकता किससे, द्विबंध से भी पूरी कर सकता है, चारों संयोजकता द्विबंध द्वारा, द्विबंध द्वारा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। CO2 में बात करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर ये हो जाएगी, यहाँ पर देख रहे हो कि कार्बन की संयोजकता चार कंप्लीट हो रही है, लेकिन चारों किससे कंप्लीट कर रहे हैं, द्विबंध द्वारा, द्विबंध द्वारा कंप्लीट कर रहा है। हो सकता है कि कार्बन का जो अपनी संयोजकता है वो एक तो त्रिबंध बना ले और एक एकल बंध बना ले, उससे भी ये कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। ये तो संयोजकता की बात होगी। फिर बात करते हैं कि जो कार्बन होता है वो अपनी जो आपस में जुड़कर, वो कार्बन है वो आपस में किस प्रकार जुड़ते हैं, तो कार्बन कार्बन आपस में एकल बंध द्वारा भी जुड़ सकते हैं और द्विबंध द्वारा भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विशेषता देखते हैं, कार्बन 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 आपस में एकल
बंद, द्विबंध या त्रिबंध द्वारा, त्रिबंध द्वारा जुड़ते हैं, ठीक है। यानी कार्बन है वो आपस में एकलबंध भी बना सकता है, द्विबंध भी और त्रिबंध भी। अगर मान लो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो तो वो कौन सी सीरीज होती है? एल्केन, एल्केन के होते हैं, बाकी चारों संयोजकता तो कंप्लीट रहेंगी। अगर मान लो कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है, तो ये इस पोजीशन में कौन सा है? एल्कीन श्रेणी है, ये एल्कीन श्रेणी के कार्बन हो गए। और कार्बन कार्बन के मध्य अगर त्रिबंध है तो ये कौन सी श्रेणी के कार्बन हो गए? एल्काइन। एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनके जो यौगिक हैं वो हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे, ताकि प्रत्येक के जो यौगिक हैं उनको हम अच्छी तरह से पढ़ सकें। इनके लिए एक अलग से वीडियो बना लेंगे अपन। तो कार्बन कार्बन है वो आपस में एकलबंध द्वारा जुड़ सकता है, द्विबंध से भी जुड़ सकता है और त्रिबंध से भी जुड़ सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जो कार्बन होता है, कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है? कार्बन परमाणु की जो ज्यामिति होती है वो होती है समचतुष्फलकीय। ज्यामिति कैसी होती है? ज्यामिति, ज्यामिति कैसी होगी इसकी? समचतुष्फलकीय, सम चतुष्क फलकीय, सम चतुष फलकीय। अब देखो सम चतुष्फलकीय संरचना क्या होती है? तो सम चतुष्फलकीय संरचना में क्या होगी कि हम चार ऐसे त्रिभुज हों जिसमें से एक त्रिभुज को क्या मान लेंगे? आधार मान लेंगे। जैसे एक ये त्रिभुज है, इसके कितने कॉर्नर हैं? तीन कॉर्नर मौजूद हैं। अब इन तीनों कॉर्नर को एक बिंदु पर मिला दिया जाए। कैसे? इसको भी यहां ले आऊं, इसको भी यहां ले आऊं और इसको भी यहां ले आऊं। तो आप देखोगे कि एक नीचे त्रिभुज है, एक इस साइड हो गया, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, तो कितने फलक बन गए? चार फलक बन गए। जो ये त्रिमीय जो संरचना बन रही है वो कैसी होती है? समचतुष्फलकीय। वापस से देख लें, एक त्रिभुज को क्या मानना है आपको? आधार मानना है। ये एक त्रिभुज है जिसको क्या मान लिया? आधार मान लिया। इसके ये तीन कॉर्नर हैं और इन तीनों कॉर्नर को एक बिंदु पर क्या कर दिया जाए? केंद्रित कर दिया जाए, बांध दिया जाए। इसको यहां ले आऊं, इसको यहां ले आऊं और इसको यहां पर ले आऊं, तो इधर भी एक त्रिभुज है, इधर भी है और इधर भी है और एक नीचे वाला है। तो ऐसी जो त्रिविमीय जो संरचना बन रही है वो कैसी है? सम चतुष्फलकीय होती है, ठीक है, क्लियर। फिर बात करते हैं कि कार्बन 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 से अगर चारों संयोजकता हाइड्रोजन से ही संतुष्ट हो, उस कंडीशन में जो बंध कोण होता है वो देखते हैं कितना डिग्री होता है। जब कार्बन से चारों संयोजकता हाइड्रोजन से जुड़ी हो तो बंध कोण, बंध कोण, यानी कि दो बंधों के मध्य जो कोण पाया जाता है। दो बंध कौन से हो गए कि भाई ये देखो ये कार्बन है, ये दो बंध हो गए, यहां पर भी हाइड्रोजन है और यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां पर भी, यहां पर भी, जो ये दो बंध हो गए, ये दो बंध, ठीक है। इनके मध्य हम ये जो हाईलाइट कर दिए मैंने, इन दोनों बंधों के मध्य क्या देखेंगे? बंध कोण देखेंगे कि इन दोनों बंधों के मध्य जो कोण पाया जाता है वो तो बंध कोण होता है। और इस बंद कोण का जो मान होता है वो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है। कि दो बंद जो जब कब, जब कार्बन की चारों संयोजकता किससे जुड़ी हो, यानी चारों संयोजकता किससे संतुष्ट हो रही हो? हाइड्रोजन से। उस कंडीशन में जो बंद कोण होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है, क्लियर। चतुष्फलकीय और बंद कोण कंप्लीट। इसके बाद में देखते हैं कि जो कार्बन होता है, कार्बन परमाणु में अपने श्रृंखलन करने का गुण भी पाया जाता है। श्रृंखलन का मतलब आपस में कार्बन कार्बन आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर क्या बनाएंगे? एक लंबी कार्बन श्रृंखला का निर्माण करेंगे। क्या पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण भी पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण भी पाया जाता है कार्बन में, श्रृंखलन का गुण भी पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, ठीक है।
अब श्रृंखलन कैसे हो सकता है कि श्रृंखलन का गुण क्या होगा कि कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जो एक लंबी संरचना का निर्माण करते हैं वही क्या होती है श्रृंखलन का गुण होता है। अब जो श्रृंखलन का गुण होता है वो कैसा हो सकता है अशाखित भी हो सकता है, अशाखित शाखित भी हो सकते हैं और चक्रीय भी हो सकते हैं। इनको वन बाय वन हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अशाखित से जैसे आपके सामने हो वैसे ही ले लेते हैं, एक सिंपल ले लेते हैं सी 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 सी। यहां पर जो कार्बन है वो आपस में एक लंबी सीधी श्रृंखला के रूप में ही जुड़े हुए हैं, अलग थोड़ी है कहीं कि भाई एक बीच में ही श्रृंखला बन गई, नहीं है ना। तो ये कौन सी है अशाखित। सबसे पहले अशाखित के देख रहे हैं, जैसे हो सी 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 और नीचे मान लो सी जुड़ा हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि सर ये तो शाखित है, जी नहीं बिल्कुल नहीं, इसकी संयोजकता कंप्लीट कर ही लोगे चार, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हो कि यहां से मैं चलता हूं तो यहां तक पहुंचा, आगे नहीं है लेकिन नीचे तो है ना, कार्बन कार्बन से ही तो आपस में जुड़ रहा है, तो जुड़े होने की वजह से ये कैसी श्रृंखला हो गई, एक अशाखित श्रृंखला हो गई। मान लो यहां पर अगर मान लो एक कार्बन और हो तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, ये शाखित श्रृंखला बन जाएगी। जैसे देखो कार्बन है और यहां पर एक कार्बन और मौजूद हो जाए तो इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि सीधी श्रृंखला तो ये होगी, लेकिन यहां पर जो बाहर रह गया, बाहर रह गया ना एक कार्बन, तो ये कौन सी होगी शाखित, मतलब शाखाओं के रूप में प्रेजेंट है। और देख लो जैसे और भी श्रृंखलन का इसमें गुण हो सकता है सी सी सी, ये सब क्या है, जैसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो ये है, तो इसमें क्या हो गया श्रृंखला हो गई, ये बाहर कार्बन रह गए इस श्रृंखला के बीच में, जो कार्बन चेन हमने चेन की है चूज की है उसमें से जो बाहर रह गए कार्बन, तो कार्बन बाहर रह गए मतलब शाखाएं मौजूद है, तो ये सारे क्या हो गए शाखित श्रृंखला के एग्जाम्पल हो गए। बात करें चक्रीय की, चक्रीय का क्या हो गया कि जिसमें पहला कार्बन और अंतिम कार्बन आपस में क्या होगा जुड़ा हुआ होगा, तो वो कौन सा हो गया चक्रीय। चक्रीय का मतलब गोल हो गया, और गोल कब होगा जब प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा आपस में क्या होगा जुड़ा हुआ होगा। जैसे देखो ये फॉर्मूला आपके सामने CH3CH2CH2CH2CH3, ये फॉर्मूला है आपके सामने, ये किसका फॉर्मूला हो गया मेट एथ्रो ब्यूट पेन, ये पेंटेन का फॉर्मूला है, ठीक है। कैसे पता चला, हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक जो फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले देखेंगे जो एल्केन एल्किन और एल्काइन के जो भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पांच कार्बन होने की वजह से पेंट आ जाता है और सभी कार्बन के मध्य एकल बंध होने के कारण एन आ गया। अब क्या करूं मैं कि इस प्रारंभिक पहला कार्बन ये है और अंतिम कार्बन ये है, अगर ये दोनों आपस में जुड़ जाएं तो क्या बनाएंगे एक चक्रीय यौगिक का निर्माण करेंगे, चक्र का निर्माण कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, ये ऐसे मौजूद हो मान लो CH3 CH2 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 और CH3, पांच कार्बन तो हो गए, एक दो तीन चार पांच, मैंने क्या किया एक चक्र के रूप में प्रदर्शित किया है। अब यहां से एक संयोजकता खाली होनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि चारों जैसे जुड़ जाएगी, कि अगर आपस में ये जुड़ जाते हैं तो संयोजकता ज्यादा हो जाएगी। मान लो आपने जोड़ दिया तो आप देखो इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो रही है, तीन तो ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है और एक ये रही चार और एक ये रही पांच। तो आपने अभी मैंने बताया था कि कार्बन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है चार होती है, तो चार से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, इसलिए ये ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता चार ही होती है। तो क्या होगा फिर, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, निकलने की वजह से यहां पर एक एक संयोजकता खाली होकर ये बना लेगी और ये किसका फॉर्मूला हो गया साइक्लो पेंटेन का। किसका फॉर्मूला ये साइक्लो पेंटेन। साइक्लो क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि एक सर्किल के रूप में चक्रीय यौगिक होने की वजह से साइक्लो जोड़ेंगे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि इसका जो एक कॉर्नर है प्रत्येक कॉर्नर एक कार्बन को प्रदर्शित कर रहा है, तो कार्बन कितने हो गए कॉर्नर कितने, एक दो तीन चार पांच, पांच कॉर्नर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया पेंटेन, और आपस में जुड़े हुए हैं चक्रीय रूप में है तो साइक्लो पेंटेन हो गया।
इसी प्रकार हम दूसरा देखें, जैसे मैं कहूं ये किसका फॉर्मूला है बताइए, किसका है बताओ, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, और आपस में जुड़े हुए तो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा ये, साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, या इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि 4 कॉर्नर तो हैं, तो ऐसे हम बता सकते हैं क्योंकि प्रत्येक कॉर्नर किसको बताएगा, एक एक कार्बन को बताता है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइक्लो ब्यूटेन का। इसी के साथ दूसरे और देखो कुछ एग्जाम्पल, चक्रीय यौगिक के और एग्जाम्पल देख लें आप। जैसे आपके सामने क्या आ जाए कि आप साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला बताइए, मैं कहूँगा आपको कि मेरे को चाहिए साइक्लो हेक्सेन, तो हेक्सेन कैसे लिखा होता है ये थोड़ा समझ लें, हेक्सेन, हेक्सेन का अगर मैं संधि विच्छेद करूँ, तोड़ूँ आपस में, तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, हेक्स प्लस एन। ठीक है, आपको बताना चाहिए ये क्या होता है, पूर्व लग्न होता है, ये अनुलग्न होता है, पूर्व लग्न का निर्धारण कार्बन परमाणु के आधार पर किया जाता है और ये बंध के आधार पर किया जाता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से एक एक बात को पढ़ेंगे। तो यहां पर हेक्स कितने नंबर पे आता है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्स है वो कितने नंबर कार्बन का होता है, 6 का, तो 6 कार्बन होने चाहिए और ये साइक्लो बता रहा है, साइक्लो का मतलब ये 6 कार्बन है वो आपस में प्रारंभिक पहला कार्बन और अंतिम कार्बन आपस में जुड़ रहे हैं, तो कैसे जुड़ रहे हैं, एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, आपस में जुड़ रहे हैं, 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसकी संयोजकता पूरी करेंगे, 2 इस कार्बन की हो रही है तो H2, यहाँ पर भी H2, यहाँ पर भी H2, यहाँ पर भी H2, H2 और H2, ये किसका फॉर्मूला है, साइक्लोहेक्सेन का। हम इसको दूसरे तरीके से भी तो बता सकते हैं, ये लो 6 कॉर्नर बता दिए हमने, तो ये 6 कॉर्नर किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, 6 कार्बन को बता रहे हैं, और ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये भी साइक्लोहेक्सेन का ही है सूत्र। फिर बात करें अपन, बेंजीन आती है एक, बेंजीन, बेंजीन भी क्या होती है, एक साइक्लोहेक्सेन, ये चक्रीय यौगिक होता है, बेंजीन भी क्या होता है, एक चक्रीय यौगिक होता है, चक्रीय यौगिक का एग्जाम्पल एक बेंजीन होती है, बेंजीन, और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। संरचना देखें तो इसकी संरचना होती है कुछ ऐसी, इसकी संरचना होती है, या दूसरी इसकी संरचना कैसे हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, आप देख रहे हो कि इसको 1 2 3 4 5 6 दोनों में क्या अंतर है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, आप देख रहे हो इस वाली संरचना में 2 नंबर कार्बन पे द्विबंध है, 4 पे है और 6 पे, मतलब 2 4 6 पे द्विबंध है, और इसमें देख रहे हो कि 1 पे है, 3 पे है और 5 पे, 1 3 5 में, यानी इसमें जो द्विबंध बनता है वो लगातार घूमता रहता है, इसलिए इसको कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं अपन, ऐसे भी बता सकते हैं एक राउंड शेप के रूप में, ये जो सर्किल है वो किसको बता रहा है, जो द्विबंध है वो लगातार घूमता रहता है, या इसको हम ऐसे बना सकते हैं, कैसे, CH हो गया आपस में, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 कार्बन है, अब द्विबंध तो आपको पता है या तो 1 3 5 पे होगा या 2 4 6 पे होगा, तो कहीं पे भी लगा लो आप जो भी है आपकी मर्जी से, तो ये भी क्या है, बेंजीन है। ठीक है, तो आपने ऐसा कि साकित और चक्रीय यौगिक के बारे में देखा, तो आगे देखो, नेक्स्ट देखते हैं जो कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, इनके मध्य जो बंध कोण होता है, या आप कहें कि कार्बन की और हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता होती है वो लगभग समान होने के कारण जो इनके मध्य सहसंयोजक जो बंध जो बनता है वो कहाँ पर स्थित होता है, बीच में स्थित होता है, क्या बताना आपको, कार्बन की व हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता समान होती है,
विद्युत लगभग समान होती है, ऋणता लगभग समान होती है या बराबर होती है, लगभग बराबर होती है, बराबर होती है। इसलिए जो सहसंयोजक बंध बनता है इनके मध्य, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य, ये बंध कहाँ पर होता है, लगभग बीच में स्थित होता है। विद्युत ऋणता किसे कहेंगे कि जो सहसंयोजक बंध बनता है उसमें जो बंध निर्माण में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उन बंधों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है वही क्या होता है, विद्युत ऋणता। यानी किस ओर ये बंध ज़्यादा है, कार्बन की तरफ। मान लो दो परमाणु हो, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन हो, मान लो कि कार्बन की विद्युत ऋणता ज़्यादा हो तो ये बंध किस तरफ होगा, कार्बन की तरफ ज़्यादा रहेगा, या हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन की तरफ ज़्यादा रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो कार्बन की और हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता है वो क्या होती है, समान होती है, लगभग बराबर होती है। इसलिए ये बंध कौन स्थित होता है, लगभग बीच में स्थित होता है। ठीक है, तो ये सब तो हो गई कार्बन परमाणु की विशेषता। तो कार्बन परमाणु की विशेषता के बाद में कुछ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देख लेते हैं हम। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या देखते हैं, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बिंदुओं के रूप में इलेक्ट्रॉन जो भाग ले रहे हैं उनको प्रदर्शित करेंगे अपन। जैसे मैथेन के बारे में देखते हैं, मैथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं, मैथेन। तो मैथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने से पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं अपन। फॉर्मूला होता है CH4 होता है, तो CH4 होता है तो इसकी साधारण संरचना बनाते हैं। साधारण संरचना कैसी होगी, कार्बन बीच में और चारों कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन से संतुष्ट है कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एकल बंध बनता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में पता रखना, एकल बंध बनता है तो उसके लिए दो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। द्विबंध बनता है तो उसके लिए चार इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, और त्रिबंध में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, छः, क्योंकि एक बंध में दो भाग लेते हैं तो तीन में छः इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर सब कार्बन और हाइड्रोजन के मतलब सारे के सारे बंध हैं वो कैसे हैं, एकल बंध के रूप में। तो एकल बंध है तो मतलब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, दो इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर देंगे, दो 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 बिंदुओं के रूप में, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वही तो है। तो यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन के लिए क्या बना लेंगे, एक बड़ा सर्किल बना लेंगे, इसमें कार्बन होगा। अब आपस में किस बंध, कौन से बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, सहसंयोजक बंध द्वारा। तो सहसंयोजक बंध तो कैसा होता है, आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा बनाना है कार्बन से, ठीक है। तो चार हमने क्या बना दिए, बराबर होनी चाहिए ये हाइड्रोजन के जो सर्किल बना रहे हो आप, इन जो सर्किलों में क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। साधारण संरचना को देखो कि चारों तरफ क्या जुड़े हुए हैं, चारों संयोजकता हाइड्रोजन संतुष्ट है। अब चारों के चारों क्या हैं, एकल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे हम कि पॉइंट और एक्स के रूप में, पॉइंट वाला मान लो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और एक्स वाला हाइड्रोजन का, तो पॉइंट एक्स। तो ये क्या होगी, मैथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। या इसको सर्किल से मैं बाहर निकालूं, तो सर्किल से बाहर कैसे निकालूंगा, इसी को निकाल देते हैं कि कार्बन का तो पॉइंट के रूप में हो गया और इसका एक्स रूप में हो गया, पॉइंट के रूप में एक्स के रूप में, पॉइंट क्रॉस वाला, पॉइंट और क्रॉस वाला, ऐसे ही तो है। और बस इसको क्या कर रखा है, सर्किल में बना रखा है, ये लो सर्किल बना लेते हैं बाद में, और हाइड्रोजन को भी सर्किल में बंद कर दें। तो सेम यही तो है, देख लो ये लो दोनों सेम है, ऐसे बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, पहले सर्किल बना लो फिर पॉइंट, आपको बनाना आना चाहिए। फिर मैथेन के बाद में हम देखते हैं एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, किसकी, एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4, ठीक है, ये एथीन का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। और साधारण संरचना कैसी होगी, दो कार्बन है, दोनों कार्बनों के मध्य द्विबंध है और
दोनों के पास दो दो हाइड्रोजन है, क्योंकि दो दो अगर हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो इनकी संयोजकता पूरी हो जाएगी। सर आपको कैसे पता चला कि एक के पास दो हाइड्रोजन ही आएंगे? तो उसके लिए आप देखो कि प्रत्येक कार्बन की संयोजकता यहाँ पर दो कंप्लीट हो रही है, इनकम्प्लीट कितनी है? दो है, तो दो दो ही तो जुड़ेंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि सर ने बताया था जहाँ पर एकल बंध दिख रहा है वहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे, और जहाँ पर द्विबंध दिख रहे हैं वहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे, तो अपना क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगी। तो सबसे पहले आप देखो कि कार्बन के जितने भी परमाणु हैं उनके लिए सर्किल बना लोगे। कार्बन के कितने हैं? दो हैं, तो दोनों को दर्शाएंगे, और दोनों कार्बन के मध्य द्विबंध हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? चार इलेक्ट्रॉन। और दोनों कार्बन से दो दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, आप चाहो तो नीचे वाले को ऊपर भी जोड़ सकते हो, क्योंकि चारों तरफ जुड़ती हैं कार्बन की संयोजकता। ठीक है, ये हाइड्रोजन आ गए, और कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कौन सा बंध है? एकल बंध है, तो यहाँ पर डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। ठीक है, ये किसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी? एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, एथीन के बाद में देखते हैं एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब आप अगर ये आपको कंसेप्ट पता है कि एकल बंध में दो इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, द्विबंध में चार इलेक्ट्रॉन, त्रिबंध में छः इलेक्ट्रॉन, तो आप किसी की भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हो। अब बनाते हैं एथाइन, एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथाइन का फॉर्मूला हो गया C2H2। ठीक है, तो साधारण संरचना कैसी हो जाएगी? कार्बन है, त्रिबंध है, यानी कार्बन कार्बन आपस में त्रिबंध से जुड़े हुए हैं, तो आप देखो कि कितने थे इनकम्प्लीट है कार्बन की, एक एक संयोजकता इनकम्प्लीट है, इसलिए एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो आपको दिख गया होगा कि जहाँ पर एकल बंध दिख रहा है वहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, त्रिबंध दिख रहे हैं वहाँ पर छः इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करने हैं, और प्रदर्शित करते ही क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगी। कार्बन कार्बन त्रिबंध है तो छः इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है। ठीक है, एच एच डॉट क्रॉस डॉट और क्रॉस। ठीक है, ये किसकी सर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी? एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी। ठीक है, तो आज हमने सीखा जैव शक्ति का सिद्धांत। पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा बना था? पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया। फिर कार्बन परमाणु की विशेषता सीख ली, फिर हमने सीखा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब नेक्स्ट हम जो वीडियो आएंगे उसको हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।